दोस्तों फाइनली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्रह्म युगम आज फाइनली बॉक्स ऑफिस पे दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म को दोस्तों अभी तक अर्ली रिव्यूज में सभी की तरफ से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक शानदार शुरुआत ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पे हासिल कर चुकी है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है राहुल सदाशिवन ने, जबकि फिल्म में हमें मैनमूति, अर्जुन अशोकन, सिद्धार्थ और मणिकंदन जैसे कई सारे कलाकार देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म का इंतजार सभी काफी समय से कर रहे थे और फाइनली ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पे दस्तक दे चुकी है, जहां पे आज सुबह से ही फिल्म को मॉर्निंग से ही काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, जहां पे दोस्तों कोची में इस फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 61% की देखने को मिली, तिरुवनंतपुरम में 35%, बेंगलुरु में 18, चेन्नई में 38, तो वहीं दोस्तों कोलम, कोट्टयम और हैदराबाद जैसी जगहों पे भी फिल्म को अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है और ये फिल्म दोस्तों सभी को काफी ज्यादा पसंद आ रही, जिसके चलते दोस्तों डे वन पे ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है। वही फिल्म का जो दोस्तों पहले दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 6.5 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, जबकि ओवरसीज मार्केट से फिल्म अपने पहले दिन लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हासिल कर रही है और इसी के साथ फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो 8 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वैसे दोस्तों फिल्म ब्रह्म युगम को लेकर आपका क्या है कहना, साथ ही आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।